झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सुनेल के सफाई कर्मचारी 5 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम पंचायत के बाहर एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के उपाध्यक्ष जुगल किशोर ने बताया कि हमारे 5 सूत्री मांग पत्र को जब तक ग्राम पंचायत में प्रशासन पूरी नहीं करता तब तक हम अनिश्चित हड़ताल पर है। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारी का वेतन बढ़ाया जाए, प्रत्येक सफाई कर्मचारी को प्लॉट दिया जाए, कार्य हम 30 दिन तक करते हैं, 30 दिन का वेतन भुगतान किया जाए, नए कर्मचारी को अनुमोदन किया जावे। एक दिन में सफाई कर्मचारी की हड़ताल के चलते शहर में हर तरफ गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। कोई हल नहीं निकलने से हालात और बदतर होने के आसार हैं। शहर के सभी डंपिंग प्वाइंट गंदगी से पट चुके हैं। जैसे बस स्टैंड के पास, फिदावा रोड के पास समय समेत कई डंपिंग प्वाइंट पर गंदगी के अंबार लग गए हैं, जिसको आवारा पशु द्वारा सड़क पर रोदा जा रहा है। सड़कों पर गंदगी फैल गई, आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इससे शहर में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। मैं राम जुगल बारवाशिया, क्या हुआ आप यूनियन में? अध्यक्ष हूँ। हाँ, तो आपकी, आपने जो हड़ताल कर रखी, ये किस संबंध में कर रखी? सर, हम 30 वर्षों से हम प्लाट की मांग कर रखी हमने प्रशासन से, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और एक हमारा वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है, और एक हमारी भविष्य निधि नहीं कट रही है, और जो नए लड़के 10 साल से कार्य करते है इनको अभी तक अनुमोदन नहीं किया जा रहा है। ये आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो आप हड़ताल लंबी चलेगी। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारे बाहर से लीडर को बुलाएंगे और आंदोलन तेज करेंगे।